और अब परिवार नियोजन को लेकर सरकार की सुस्ती पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि लड़कियों की आधी आबादी बालिग होने से पहले ही शादी के बंधन में बंध जाती है। यही नहीं, केवल 20% आबादी तक ही नियोजन के साधन पहुंचते हैं। देश की आबादी को रफ्तार देने में सरकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लड़कियों की शादी के लिए कड़े कानून हैं, लेकिन सख्ती न होने की वजह से आलम यह है कि 50% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में ही कर दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में साफ हुआ है कि इनमें से एक तिहाई तो ऐसी हैं जो 14 साल से पहले ही शादी के बंधन में बांध दी जाती हैं। 70% से ज्यादा शादी के पहले साल में ही माँ भी बन जाती हैं। लड़की की शादी 18 साल से कहीं पहले कर दी जाती है, तो सिर्फ ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या हेल्थ मिनिस्ट्री ही इससे डील नहीं कर सकती। इसके लिए हमारी और सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा और बाकी हमारे नॉर्म्स जो हैं वो भी चेंज होने पड़ेंगे। जनसंख्या काबू करने के बड़े बड़े दावों से उलट, रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल 20% बच्चे सिर्फ इस मजबूरी में पैदा हो जाते हैं क्योंकि कोई गर्भ निरोध का साधन इन परिवारों तक पहुँच नहीं पाया है। देश में हर साल 2,60,00,000 बच्चे जन्म लेते हैं। इनमें से 52,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म सरकार की नाकामी की देन है। 20% लोग आबादी जो बढ़ रही है, लोग बच्चा नहीं चाहते। हमें तुरंत उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने चाहिए, फैमिली प्लानिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि देश के 17 राज्यों के 233 जिलों में परिवार नियोजन के साधन पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार अब खुद 40 जिलों में ये सर्वे करा रही है कि ये साधन किसी काम आ भी रहे हैं या नहीं। पूजा मक्कड़, जी न्यूज़, दिल्ली। क्या पेट्रोल